सो गाइस देखो, आप लोग को कैसे अपना एक्सनेस अकाउंट ओपन करना है, कैसे आप लोग को इसमें केवाईसी करना है, वो फुल प्रोसेस आप लोग को इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वीडियो बिना मिस किए एंड तक देखते रहना, क्योंकि इस वीडियो से आप लोग को सारी जानकारी मिल जाएगी। और गाइस अगर आप लोग एक भी गलती करते हो तो आपका अकाउंट ओपन नहीं होगा। गाइस जो गलती मैंने किया था और जिसकी वजह से मेरा अकाउंट ओपन नहीं हुआ था, उस गलती को आपको नहीं करना है। और वो गलती क्या है वो आप लोग को आगे पता चल जाएगा। सो डेफिनेटली इस वीडियो को जो एंड तक देखते रहो, चैनल पर नए तो यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए इस कमाल के वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस देखो, एक्सनेस एप्लीकेशन का लिंक आप लोग को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दिए गए लिंक पर सिंपली आप लोग को क्लिक कर देना है। जैसे ही दिए गए लिंक पर आप लोग को क्लिक करोगे तो आप लोग रजिस्ट्रेशन साइट पर पहुंच जाओगे। सो गाइस देखो, लिंक पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह के इंटरफेस पर आप लोग आ जाओगे। तो सिंपली यहां पर आप लोग को कंट्री डाल देना है, उसके बाद यहां पर आप लोग को ईमेल एड्रेस डाल देना है। ईमेल एड्रेस डालने के बाद आप लोग को पासवर्ड यहां पर सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। पासवर्ड सिलेक्ट करने के बाद आप लोग को ये वाला कैरेक्टर पासवर्ड में होना चाहिए, ध्यान रहे। कैसे फायदा होगा वो आप लोग को आगे पता चल जाएगा। देन उसके बाद आप लोग को नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। तो देखो गाइस, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आप लोग को प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप लोग को साइन इन बटन पर क्लिक कर देना है। साइन इन बटन पर क्लिक करने के बाद जो ईमेल पासवर्ड आप लोगों ने डाला था उसको डाल करके यहाँ पर लॉग इन कर लेना। एंड यहाँ पर अपना पासवर्ड सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। पासवर्ड में आप लोग जो है अपना कुछ भी 6 डिजिट का सिलेक्ट कर सकते हो। देन उसके बाद आप लोग को यहाँ पर फोन नंबर डाल देना है। फोन नंबर डालने के बाद एसएमएस या कॉल के थ्रू वेरीफाई कर सकते हो। तो एसएमएस के थ्रू मैं यहाँ पर वेरीफाई करके सेंड मी अ कोड पर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। सेंड मी अ कोड पर क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस आएगा। उस एसएमएस को यहाँ पर आप लोग को जो है फिल कर देना है, ठीक है, यानी कि वेरिफिकेशन कोड आएगा। उसके बाद सिंपली कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना। कंटिन्यू बटन पर क्लिक करने के बाद आपका अकाउंट ओपन हो चुका है। लेकिन यहाँ पर आप लोग को केवाईसी भी करना होता है, ठीक है। केवाईसी करोगे तो ही जाकर के आप लोग का यहाँ पर जो है अकाउंट एक्टिवेट होगा। यहाँ पर आप लोग जो है टाइप वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो, लेवरेज वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें क्या है, ये टेक्निकल चीज़ है। इसके लिए आगे इस मतलब एक नए वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि कैसे एक्सनेस को यूज़ करना है। तो देखो, केवाईसी कंप्लीट करने के लिए प्रोफाइल बटन पर आ जाना। प्रोफाइल बटन पर आने के बाद अभी देख सकते हो अनवेरीफाइड है, तो सिंपली यहाँ पर कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना। कंटिन्यू बटन पर क्लिक करने बाद आप लोग का यहाँ पर ईमेल वेरिफिकेशन होगा। जो ईमेल आप लोगों ने स्टार्टिंग में डाला था फिर से इसको वेरीफाई करेगा। तो सिंपली सेंड बटन पर क्लिक कर दो तो ईमेल पर आपका एक कोड आएगा, उस कोड को यहाँ पर फिलअप करना। कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना। अब देखो गाइस, आप लोग को यहाँ पर अपना जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है डालना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में फर्स्ट नेम आप लोग को डाल देना है, लास्ट नेम डाल देना है, जो आपके डॉक्यूमेंट पर होगा वही, ठीक है। उसके बाद जेंडर डाल देना है, डेट ऑफ बर्थ डाल देना है और एड्रेस डाल देना है अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से, अपने आधार कार्ड के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद सिंपली कंटिन्यू बटन पर आप लोग को जो है क्लिक कर देना है। कंटिन्यू बटन पर क्लिक करने के बाद अब आप लोग जो है एम्प्लॉयमेंट स्टेटस डाल सकते हो कि आप लोग क्या हो, और यहाँ पर जो है प्रोफेशन आप लोग जो है सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आप लोग किस प्रोफेशन में, एजुकेशन प्रोफेशन में हो, फाइनेंस सर्विस में हो, या फिर कोई बच्चा भी प्रोफेशन है आप लोग का, उसको सिंपली आप लोग को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आप लोग का जो है एम्प्लॉय स्टेटस में जो भी हो आप लोग सिलेक्ट कर लो, स्टूडेंट हो, वो एम्प्लॉयड हो, वो सारी चीज़ें सिलेक्ट कर लेना अपने हिसाब से। सेलेक्ट करने के बाद आप लोग ऊपर की ओर आ गए तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो डू यू हैव एनी ट्रेडिंग एक्सपीरियंस। तो आप लोग जो जितना भी एक्सपीरियंस है आप लोग यहाँ पर डाल सकते हो, अगर नहीं है तो नो बटन पर क्लिक कर सकते हो। उसके बाद जो है यहाँ पर रीजन ऑफ द ओपनिंग अकाउंट जो भी सिलेक्ट कर रहा हूँ उसको सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर अपने खुद से सिलेक्ट कर लेना। एनुअल इनकम क्या है उसको अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना। देन उसके बाद टोटल वेल्थ कितना है उसको भी अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना, जितना आपका है उतना, ठीक है। सोर्स ऑफ इनकम एंड वेल्थ का आप लोग जो है बता सकते हो कि कैसे अपन जो है आपका जो है सोर्स ऑफ इनकम क्या है, सेविंग है, रेंटल पर्पज से आता है या पेंशन आता है, जो भी है सिलेक्ट कर लो। कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना। कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना। अब देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। चेक योर नेम, आपका डॉक्यूमेंट पर जो नेम है उसको यहाँ पर जो है इजिली फिलअप करना। फिलअप करने बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना। उसके बाद किससे वेरीफाई करना चाहते हो, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, वोटर आईडी या फिर पैन कार्ड से, तो जिससे भी सिलेक्ट करना चाहते हो सिंपली उसको सिलेक्ट करना। जैसे मैंने कि आधार कार्ड से सिलेक्ट कर लिया। एंड अब यहाँ पर देखो आधार कार्ड का फ्रंट और बैक का दोनों का फोटो अपलोड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, और फोटो एकदम क्लियर होनी चाहिए, कोई भी चीज़ें जो है यहाँ पर मिसिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। देन सिंपली उसको आप लोग को जो है अपलोड यहाँ पर कर देना है, ठीक है। अपलोड करने के बाद सिंपली यहाँ पर जो है अपलोड फोटो पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर फ्रंट का डालना है और यहाँ पर बैक का डालना है, ठीक है। बैक का डालने के बाद सिंपली सबमिट डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देना है। अब देखो हमारा डॉक्यूमेंट जो है अंडर रिव्यू में चला जा चुका है, मतलब ये देख सकते हो 3 से 7 मिनट का ले सकता है टाइम, और उससे ज़्यादा 24 घंटे का टाइम ले सकता है, और ये एक्टिवेट हो जाएगा सक्सेसफुली गाइस, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग को भी अपना जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है, या फिर कह लो अपना केवाईसी करना है, केवाईसी कंप्लीट इस तरीके से कर सकते हो और ये सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। बाकी जो भी गलती होगा, मैंने गलती क्या करा था, आधार कार्ड में जो है छोटी छोटी चीज़ें जो क्रॉप कर दी थी और थोड़ा बहुत जो है उसमें एडिट कर दिया था। ऐसा नहीं करना है आप लोग को, आप लोग को अपना जो है आधार कार्ड एकदम क्लियर अपलोड करना है, बिल्कुल भी उसमें जो है कोई भी एडिटिंग वगैरह नहीं होना चाहिए। बस हाँ, क्रॉप कर सकते हो
जो कॉर्नर होते हैं उनको क्रॉप कर सकते हो। बाकी आधार कार्ड में सारी चीज़ें विजिबल होनी चाहिए, तभी जाके आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा बहुत ही ईजी तरीके से। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद सक्सेसफुली ये आपका KYC कंप्लीट हो जाएगा गाइस। गाइस देखो, अब जैसे ही आप लोग का एक्सनेस अकाउंट ओपन हो जाएगा या फिर कह लो KYC कंप्लीट हो जाएगा, तो आप लोग कैसे इसमें जो है ट्रेड कर सकते हो, कैसे अर्निंग कर सकते हो, सारी चीज़ें आप लोग को एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या क्या ऑप्शन है इसमें और कैसे उन ऑप्शंस को आप लोग यूज कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, अर्निंग कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो, डिपॉजिट कर सकते हो, सारी चीजें आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस, ठीक है। तो गाइस यार आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा कि एक्सनेस का अकाउंट आप लोग को कैसे ओपन करना है विद KYC, ठीक है। अगर आप लोग को कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी तो डेफिनेटली आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। सो गाइस अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं आप लोग को फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टाटा गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।